आओ भाई आओ रंचो, अखबार लायो। हाँ तुम अखबार लायो तो कोई खास खबर होगी। अरे भाई खुद पानी मत पियो, पौधों को पानी दो। इंटरनेशनल माफिया का खतरनाक प्लान। इंटरपोल से खबर मिली है कि इंटरनेशनल माफिया हमारे देश के खिलाफ एक खतरनाक साजिश रच चुका है। ऐसे पता ये लगाना होगा कि ये गैंग है कौन। आ जाओ आ जाओ, हमसे जो टकराएगा वो खुद ब खुद मिट जाएगा। कापड़िया। यस बॉस। आज हमें डिफेंस के वो सीक्रेट डाटा मिल जाएंगे जिन्हें हासिल करने के लिए हम काफी दिनों से कोशिश कर रहे थे। That's a good news, boss. डिफेंस डिपार्टमेंट का एक आदमी ठीक 11:20 पर 12th रोड के प्लॉट नंबर 5 पर पहुंचेगा। वो डिफेंस इंफॉर्मेशन की एक माइक्रो कैसेट देगा जिसके बदले में उसे ये ब्रीफकेस देना है। और लेकिन बॉस शट अप, हमें बीच में बोलने वाले पसंद नहीं। और इस एनवेलप में उस आदमी का फोटोग्राफ और कोड वर्ड है। ये कैसेट आज रात को एयरपोर्ट पर किसको देना है ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ओके बॉस। ये काम बड़ी सावधानी के साथ होना चाहिए। जरा सी भी लापरवाही की कीमत तुम दोनों को अपनी जान से चुकानी पड़ेगी। यस बॉस। एक बात और, तुम्हें पुलिस के अलावा दो लोगों से खास तौर पर अलर्ट रहना है। पहला है राजा और दूसरा हमारे दुश्मन गैंग का लीडर टाइगर। आज इस देश के डिफेंस की सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीकर होने लगी है और हम वो इंफॉर्मेशन किसी भी कीमत से हासिल कर लेंगे। व्हाट सर? नो सर, नो नो नो। आज वो माइक्रो कैसेट हमारे हाथ में लगी जाएगा। ये टाइगर की जुबान है सर। बाय। मगर टाइगर, मुझे पता चला कि कपाटिया के बॉस ने उस सीक्रेट इंफॉर्मेशन का सौदा कर लिया। हाँ, मैं जानता हूँ कि और भी माफिया के गैंग इस इंफॉर्मेशन के पीछे पड़े हैं, लेकिन मैंने ऐसा एक प्लान बनाया है कि हम वो इंफॉर्मेशन लेके निकल जाएंगे और वो बाकी के गैंग देखते रह जाएंगे हमेशा की तरह। कौन? मैं बंटी हूँ पेंटर दीदी। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? अच्छा हूँ। बंटी, तुम्हारे साथ और कोई आया है? मैं बंटी का दोस्त हूँ दीदी, अनुराग। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते दीदी। आज मेरा बर्थडे है, मैं आपको इनवाइट करने आया हूँ। तुम्हारा बर्थडे है? हाँ। Many happy returns of the day. Thank you. लेकिन बंटी, मैं तुम्हारे बर्थडे पे नहीं आ पाऊंगी, लेकिन तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट जरूर दूंगी, ठीक है? नहीं नहीं दीदी, आपको आना ही पड़ेगा। ठीक है। अच्छा बंटी, तुमने राजा और रंचो को इनवाइट किया है या नहीं? अरे वो तो मैं भूल ही गया। ठहरो बंटी। हेलो। हेलो वर्षा। हेलो राजा, अभी अभी तुम्हें ही याद कर रहे थे, तुम्हारी उम्र बहुत लंबी है। दोस्तों की दुआएं चाहिए, लेकिन भाई मैं तुमसे सॉरी कहना चाहूंगा। क्यों? अरे भाई मैं आ जो नहीं सका। क्या बताऊं यार, तुम्हें तो मालूम है कि मेरा काम ही ऐसा है, एक जरूरी केस के सिलसिले में फंस गया था। लेकिन वो जो तुमने ड्राइंग और पेंटिंग्स का सामान लिखवाया था ना, वो मैं खरीद लाया। बस कभी भी आते जाते तुम्हारे घर में दे दूंगा। एंड सॉरी वंस अगेन, प्लीज टेक केयर। अच्छा पिंडरी दीदी, मैं चलूँ, मेरे दोस्तों को भी इनवाइट करना है। ठीक है। नमस्ते दीदी। नमस्ते अनुराग, फिर आना। ठीक है। अच्छा जाते जाते दरवाजा बंद कर देना।
और कुछ चाहिए आपको? ये सिगरेट पैकेट दीजिए। समथिंग इंजूरियस टू हेल्थ। नमस्ते गुप्ता जी। नमस्ते, हम कुछ नहीं समझते। आहा वर्षा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं तो जैसा था वैसा ही हूँ। अच्छा गुप्ता जी, एक 8 साल के बच्चे के लिए एक बर्थडे गिफ्ट चाहिए। बच्चा? तुम्हें बच्चा कब हुआ? गुप्ता जी मजाक छोड़िए, हमारे पड़ोस में वो बंटी रहता है ना। बंटी? हाँ, आप भी जानते हैं उसे। उसके लिए एक गिफ्ट चाहिए। क्या चाहिए? वो जो बटर स्कॉच का चॉकलेट्स का डब्बा है। हाँ, ये रहा। हाँ हाँ, ये उसे गिफ्ट रैप करके दे दीजिए। गिफ्ट रैप कर देता हूँ। हाँ, और वेफर्स और बिस्किट्स और कुछ अलग से चॉकलेट्स दे दीजिए। अच्छा, अलग से चॉकलेट्स दे दूँ मैं? ये देखो गिफ्ट रैप। अच्छा, ये गिफ्ट रैप गया अंदर। ये बिस्किट्स 2 पैकेट 3 डाल देता हूँ। हाँ, वेफर्स और क्या बोला? और बिस्किट्स, वेफर्स और चॉकलेट्स अलग से। हाँ, चॉकलेट्स। हाँ, ये हो गया। और बस कुछ नहीं गुप्ता जी। हाँ जी, मेरे पैसे कितने हुए? 30 रुपीज। ये लो। ले लीजिए सर। हाँ, थैंक यू। कितने पैसे हुए? तुम्हारा हिसाब करके मैं तुम्हारे घर से आके ले लूंगा। अच्छा, ओके, बाय बाय, टेक केयर। या अरे, जाएंगे? वो आ गया। ऑपरेशन गुलमोहर। इस टॉय कार के अंदर एक कैसेट छुपी हुई है जिसमें वो सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। जज, ये बॉस ने आपके लिए भेजा है। ओके, sorry man, sorry please. It's okay. हेलो हेलो कमरिया साहब, जंगो बोल रहा हूँ। हाँ जंगो, कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया। यकीन जानिए कमरिया साहब, बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागा हूँ। ओके ओके, अच्छा ये बताओ कैसेट तुम्हारे पास है ना? नहीं। व्हाट? हाँ कमरिया साहब, वो कैसेट उस आदमी ने मुझे एक टॉय कार में छिपा के दी थी और भागते वक्त वो टॉय कार मैंने एक अंधी लड़की के बैग में डाल दी। अंधी लड़की? कौन है वो अंधी लड़की? वर्षा,
वर्षा नाम है उसका। वर्षा? ठीक है, उसके घर का जल्द से जल्द पता लगाओ, हरी अप। ओके। अंधी लड़की? हेलो। का बढ़िया? यस बॉस। वो कैसेट मिला? हाँ बॉस, मगर बॉस। मगर क्या? बात यह है बॉस कि टाइगर के आदमी ने अचानक जैंगो पर अटैक किया, इसलिए उसे वो कैसेट एक अंधी लड़की के बैग में छुपाना पड़ा। नॉनसेंस! मैंने तुम्हें अलर्ट रहने को कहा था, फिर भी तुम लोग। डोंट वरी बॉस, वो कैसेट बहुत जल्द हमारे हाथ में आ जाएगा। मुझे वो कैसेट 2 घंटे के अंदर चाहिए, अगर नहीं मिला तो पुलिस को तुम लोगों की लाशें मिलेंगी। ओके बॉस, ओके। ये जेंगो का बच्चा कहां मर गया? ओ, तो इसका मतलब है कि वो टॉय कार उस अंधी लड़की के पास है। यस टाइगर। इसके पहले कि वो टॉय कार कपाड़िया के पास तक पहुंच जाए, हमें उस लड़की तक पहुंचना होगा। हाँ, लेकिन हमें उसका पता नहीं मालूम है। कोई बात नहीं, हम लोग निकालेंगे, तुम चलो मेरे साथ। चलो बंटी, आज तुम्हारे बर्थडे पार्टी पे अपने सारे दोस्त आ रहे हैं ना? हाँ बंटी बाबा, चलो खाना खा लो, सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया। मुझे भूख नहीं है भाई। लगता है हमारा बेटा हमसे नाराज है, क्यों बंटी? यस डैडी, मैं आपसे बहुत 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 नाराज हूँ। आपने मुझे मेरे बर्थडे पर कंप्यूटर देने का प्रॉमिस किया था, बोलिए किया था ना? हाँ भाई बिल्कुल किया था, लेकिन क्या है बेटे कि ऑफिस के काम से हमको फुर्सत ही नहीं मिलती, कभी यहाँ जाओ कभी यहाँ जाओ, ये काम वो काम, अब बेटे हम क्या करें बताइए। तो जाओ, मैं आपसे बात नहीं करता। साहब अब बता भी दीजिए ना, क्यों बिन माँ के बच्चे को सता रहे हैं? बता दो कि कंप्यूटर आ चुका है। क्या? हाँ बेटे आ चुका है। वो कहे कि हम आपको एक सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन इस चंदू के बच्चे ने सब गड़बड़ कर दी। जाओ बेटे तुम्हारे कमरे में पड़ा। ओ डैडी थैंक यू वेरी मच। हाँ ठीक ठाक, जाओ तुम्हारे कमरे में देख। चलो दीदी को बताने की कसम, सब बच्चा है। वर्षा कहाँ रहती है? वर्षा कहाँ रहती है? जैंगो किंग्स अपार्टमेंट्स, जैंगो 18th रोड, किंग्स अपार्टमेंट्स 18th रोड। शट अप, कम ऑन जैंगो। और हाँ, अगर तुम गोलियों से अपना जिस्म छलने करवाने का शौक रखते हो तो इस बात का जिक्र राजा और पुलिस से जरूर करना, वरना अपनी इस दुकान और अपने जुबान पर ताला लगा कर। चलो मैं ताला लगा के परमानेंट चला जाता हूँ, मैं परमानेंट ताला लगा के जाता हूँ। अभी मुझे बहुत से दोस्तों के पास जाना है। अच्छा सुन, दरवाजा बंद करते जाना। अच्छा एक बार देख के नहीं चल सकते? सॉरी अंकल। इट्स ओके। थैंक यू अंकल। कबाड़िया साहब, यही है वर्षा का घर। जैंगो, हमारी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि खामोशी से टॉय कार लेकर निकल जाए। नो शोरगुल, नो हंगामा, किसी को इस मामले का पता नहीं चलना चाहिए। ओके ओके कपाड़िया साहब, ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर इस अंधी लड़की ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया तो हम उसे गोली से उड़ा देंगे। यस समझे? कम कौन? पोस्टमैन। पोस्टमैन इतनी जल्दी कैसे आ गया?
कोई अंदर आया है क्या? बोल रही हूँ, राजा को फोन दो।